कहा। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति उम्मीदवारों पर टीएमसी सांसद सौगत राय का बयान, कहा राजनीति हो रही है। पुलवामा में सीआरपीएफ जवान पर आतंकियों का हमला, एक जवान शहीद। भारत ने 200 करोड़ वैक्सीनेशन का आंकड़ा किया पार, पीएम मोदी बोले देश में फिर रचा इतिहास। पश्चिम बंगाल के मालदा में बम बनाते वक्त हुआ ब्लास्ट, दो लोगों की मौत, कई लोग घायल। इंग्लैंड के सिराज ने दिया दूसरा झटका, जीरो पर आउट हुए दो रूट। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं मनीष भदौरिया। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों से। खबर फरीदाबाद से, सूरज कुंड से, जहां चल रहे भाजपा के प्रशिक्षण शिविर पर तीसरे और आखिरी दिन समापन सत्र सहित तीन सत्रों का आयोजन होगा, जिसमें विनोद तावड़े, बीएल संतोष और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखंड के साथ मुख्य वक्ता कार्यकर्ता व्यक्तिगत विकास, बूथ सशक्तिकरण, राष्ट्र के पुनर्निर्माण में भाजपा का योगदान विषय पर कार्यकर्ताओं से रूबरू होंगे। वहीं इस दौरान शिविर में पहुंचे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने प्रशिक्षण शिविर में अपने संबोधन के बाद की, आज देश के तरीके से केंद्र सरकार की नीतियों की वजह से सशक्त हुआ। रक्षा क्षेत्र में हुई बहुत सी उपलब्धियां हैं जो केवल भारत के पास हैं, और लगातार आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। जिस तरह से हम नई राइफल्स डेवलप कर रहे हैं, हम एंटी मिसाइल पार जिस तरह से डेवलप कर रहे हैं, जो दुनिया में आज न्यू एज टेक्नोलॉजी है, उनमें से कुछ टेक्नोलॉजीज आज अमेरिका के पास में भी नहीं है, कुछ केवल अमेरिका के पास में, या कुछ अमेरिका, रशिया, एकाध देशों के पास में, वो आज भारत निर्माण करने लगा है। निश्चय ही एक कॉन्फिडेंस भी भारत की सेना में बढ़ा है, और निश्चय ही एक नई ताकत भी उसके कारण से सृजित है। औरैया जनपद में सदर औरैया कोतवाली क्षेत्र के जिला न्यायालय में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब वकील के बस्ते से किसी मामले में नामजद आरोपी को जब सिविल डेस्कधारी पुलिस ने उठाने का प्रयास किया। पुलिस और वकीलों के बीच जमकर कावसुनी हुई और हाथापाई हो गई, जिसमें गुस्साए वकीलों ने पुलिस कर्मियों को वहीं बैठा लिया, जिसके बाद पुलिसकर्मी और सूचना पर मौके पर पहुंचे पुलिस के आला अधिकारी जिला जर्जी परिसर के न्यायालय अधिकारियों के समक्ष वार्ता के बाद मामला सुलझाया गया। मामला ये था कि वहाँ हमने देखा मिश्रा जी की बस्ती पर वो जो एसटीएफ वाले थे, वो साधारण मुखिया थे या नहीं थे, वो वहाँ से मुलजिम को उठा के ले जा रहे थे, तो मैंने इसका विरोध किया, तो उन्होंने पिस्टल निकाल ली और हमारे ये मार दी और बदतमीजी करने लगे। खबर औरैया से, जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का शनिवार 16 जुलाई को शुभारंभ किया गया, और ये जनता को समर्पित करते हुए उन्होंने कहा कि इससे बीहड़ क्षेत्र के विकास को पंख लगेंगे। वहीं आज प्राइम टीवी की टीम से रियलिटी चेक किया गया तो लोगों ने इसकी जानकारी हासिल की गई, तो स्थानीय लोगों ने बताया कि इस एक्सप्रेसवे से उन्हें काफ़ी सहूलियत मिलेगी, और अब तब जब विकास यहाँ नहीं हो पाया था उसमें भी तेजी आएगी। इससे मैं बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे औरैया और जालौन जिले को जोड़ने वाली यमुना ब्रिज पर खड़े हुए हैं, जो दोनों का बॉर्डर है। आइए, मेरे साथ कुछ ग्रामीण हैं, ग्रामीणों से मैं जानकारी लेना चाहूँगा, बुंदेलखंड एक्सप्रेस बनने से लोगों को क्या लाभ होगा, क्या फायदे होंगे। मेरे साथ में कुछ लोग जुड़े हुए, मैं उन युवाओं से बात करना चाहूँगा। भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी है। सौरभ जी, बुंदेलखंड एक्सप्रेस बनने से ग्रामीणों को क्या लाभ होगा, क्या कहते हैं? ये बुंदेलखंड एक्सप्रेस जो यहाँ पे ये बना है, इससे ये जो है यहाँ पे क्या है कि ये काफ़ी डेवलप होगा, इसकी नदीस वगैरह यहाँ पे आएंगी, उससे क्या है कि यहाँ के आसपास के जो गांव हैं, आसपास के जो लोग हैं, उनको जो है यहाँ पे रोज़गार मिलेगा, और उससे क्या है कि आसपास का जो एरिया है वो काफ़ी डेवलप होगा। अभी क्या है कि लोग यहाँ पर कुछ जानते नहीं थे कि यूपी में एक औरैया भी कोई डिस्ट्रिक्ट है। अब ये है यमुना एक्सप्रेस बनने से क्या है कि आसपास का जब ये पूरा एरिया डेवलप होगा, क्या है कि हम लोग यहाँ तक कि हम पूरे भारत में जो है एक पहचान बना सकते हैं।
और ये मेरे साथ में कुछ और साथी भी खड़े हुए हैं, मैं उनसे भी जानना चाहता हूँ कि बुंदेलखंड एक्सप्रेस बनने से लोगों को क्या सौगात मिली है, क्या क्या कहना चाहेंगे भैया? यह बुंदेलखंड एक्सप्रेस बन गया है, किसानों को क्या लाभ मिलेगा, क्या कहना चाहेंगे? सर बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे से ये सौगात मिली है हमारे किसानों भाइयों को कि जो इलाका पहले पिछड़ा हुआ था, यहाँ पर कहीं जाने आने का मार्ग भी नहीं सही था, बारिश में तो कच्ची रोडें थीं, आवागमन में बहुत मतलब कि परेशानी होती थी, तो ये एक्सप्रेस वे से हम लोग का सफ़र आसानी से हो सकता है, कम समय में हो सकता है, कोई दिक्कत आने की परेशानी होती है तो इस एक्सप्रेस वे से हम आसानी से कम समय में ज़्यादा दूरी तय कर सकते हैं। रमन कुशवाहा जी, रमन जी, टूल टैक्स पर जो काम चल रहा है, ये कौन सा टूल टैक्स है? ये टूल टैक्स बुंदेलखंड है, बुंदेलखंड टूल टैक्स है। इस पर अभी काम कितना अधूरा, कितना बाकी है? अभी सर काम तो अधूरा है ही है, चल रहा है। क्या दिन में पूरा कर लेंगे काम? दो चार दिन तो लगेंगे ही सर। क्या नाम है तुम्हारा? अभी ये कार चल रहा है मेहुली टूल टैक्स पर, ओवरब्रिज पर, कितना कार अधूरा है, कौन सा कार आप कर रहे हैं यहाँ पर? पेंटर है, पेंटर का पढ़ाई कर रहा है। कितना कार हो चुका अभी तक? अभी तो ये कार 5 दिन का काम है, अभी काम बाकी है। खबर वाराणसी से है, जहां हर बार सावन के पहले सोमवार को परंपरागत यदुवंशियों के नेतृत्व में शीतला घाट के जल को लेकर बाबा विश्वनाथ के गर्भगृह में जलाभिषेक किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन लोग जलाभिषेक करते हैं तो बाबा प्रसन्न होते हैं। बता दें कि 2 साल पहले कोरोना काल की वजह से सिर्फ 5 लोगों से अनुमति मिली थी, पर इस बार धूमधाम से जलाभिषेक करने की तैयारियाँ की गई हैं। खबर गाजीपुर से, जहां पे चमुआ गांव में मामूली विवाद में ईंट और से कूच कर एक युवक की हत्या का मामला सामने आया है। दरअसल चमुआ गांव निवासी अपने पड़ोसी के लड़के को और मृतक अखिलेश दुबे के लड़के से किसी बात को लेकर गाली गलौज चल रहा था। इतनी ही देर में अखिलेश दुबे को ईंट पत्थर से लोगों ने पीटने लगे, जिसमें वो ज़मीन पर गिर गए, जिसे आनन फानन में जिला अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं घटना की जानकारी होने के मौके पर पुलिस पहुंच गई और घटना को अंजाम देने वाले 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। करंडा थाना क्षेत्र में एक दो पक्षों के बीच में मारपीट जो है वो हुई है। भूमि में से गोबर उठाने को न लेके, उसके विवाद न को लेके ये मारपीट जो है वो न हुई है। एक व्यक्ति के सिर में ईंट लगने की वजह से उसकी मृत्यु हो चुकी है। मौके पर मेरे द्वारा और फील्ड यूनिट द्वारा और बाकी टीम द्वारा मुआयना किया गया है। बॉडी को पंचायतनाम भर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। जो नामजद इसमें अन्य व्यक्ति है उनकी पूछताछ चल रही है। जल्द ही विधिक मुकदमा लिख के विधिक कार्रवाई की जाएगी। रायबरेली सोलोन की कड़ी में अचानक 11,000 की लाइन LT लाइन में टच होने से उसकी चपेट में 2 लड़के आ गए, जिसमें एक बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई, दूसरा बुरी तरह से जख्मी हो गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया, वहीं घायल बच्चे का अस्पताल में इलाज चल रहा है। प्रभाकर पांडे, ये घटना कैसे हुई थी? अरे वहाँ दोनों लोग गए थे साथ में, लीलगा खेत में पड़ी थी, हम हाथ में लगे, वहाँ पीछे गए, वो तार पकड़ लिए। कौन तार पकड़ लिया? बिजली का तार, पहले सिंगल नीचे वाला पकड़े। कौन कौन पकड़ा? अनुज सिंह। अच्छा, फिर क्या हुआ? हम उधर गए थे लीलगा हाथ में, आगे खेत के मेड़ के पास गए, बीच में खेत के तार है, वहाँ पे गया तो वहाँ से पकड़ के वो करंट मारने लगा, वहाँ दौड़ के हम चप्पल उतार के छुड़ाने की कोशिश किया। अच्छा। फिर हमारे तरफ वो झुक गए थे ना अनुज सिंह, हमारे तरफ झुके तो यहाँ से पूरा ऐसे हो गया। खबर श्रीवस्ती जनपद से, जहां गिलौला क्षेत्र के एक घरवा के मजरा दर्जीपुरवा गांव में एक युवक ने अपने ही घर में फांसी के फंदे से लटक कर जान दे दी। इसके बाद परिजनों को पता चलते ही घर में चीख पुकार मच गई। आनन फानन में ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी, वहां मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को फांसी से फंदे से उतार कर अपने कब्जे में लिया और शव का पंचनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और मामले की जाँच पड़ताल में जुटी हुई है। का नाम नियामत अली है और मैं अपने घर पर सो रहा था और उसके पिताजी जिसका नाम मुराद अली है वो जाकर मेरे से बताया कि मैं बलरामपुर रोड पर सो रहा था मतलब मेरी बीवी के साथ, वहाँ कुछ दुकानें थी उसकी सब्जी वगैरह की, और उसको 5 बजे करीब जानकारी हुआ तो मेरे पास गया, बताया उसने कि मेरा लड़का जो है आत्महत्या कर लिया है, फांसी लगा लिया है।
उन्नाव से एक मारपीट का मामला सामने आया, जहां बारिश का पानी दरवाजे पर आने से दो पक्षों में विवाद हो गया और देखते ही देखते दोनों पक्षों में लाठी डंडे चलने लगे। वहीं दोनों पक्षों की मारपीट में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद इलाज के दौरान घायल युवक की अस्पताल में मौत हो गई। फिलहाल परिजनों की तहरीर पर पुलिस मामले दर्ज करके कार्रवाई में जुट गई है। थाना हसनगंज के बाराखेड़ा गांव में कल शाम को दो पक्षों में बारिश के पानी को निकालने को लेकर के वाद विवाद हुआ था और उसमें मारपीट हो गई थी, जिसमें एक पक्ष के कमलेश घायल हो गए थे, जिनको हैलेट हॉस्पिटल ले गए थे। आज पता चला है कि उनकी मृत्यु हो गई है। इस संबंध में थाना हसनगंज में अभियोग पंजीकृत कराया गया है और इसमें से तीन अभियुक्त गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। खबर गाजियाबाद से, जहां बागपत से चलकर लोनी आने वाली एक रोडवेज बस में बस के ड्राइवर द्वारा हेलमेट लगाकर बस चलाने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बता दें कि रोडवेज बस का आगे का शीशा टूट गया था और बस के अंदर लोनी आने वाली बहुत ही सवारियां बैठी हुई थी, जिसके वजह से बस ड्राइवर के द्वारा हेलमेट लगाकर बस को बागपत से लोनी तक पहुँचाया गया और रास्ते में किसी ने इस बस के ड्राइवर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। ये गाड़ी करीब 4:15 पर शाम को आई, तो हमने गेट पर जब इसे चेक करा तो इसके दोनों शीशे नहीं थे। तो हमने जब चालक से पूछा कि ये क्या हुआ, तो उन्होंने बताया कि एक अनुबंधित गाड़ी से लग गई थी, जिसका एक शीशा टूट गया है जो गाड़ी में रखा है, एक टूट गया है और इसकी एक लाइट डैमेज हुई है और ये सो दबी हुई है, ये चालक ने हमें बताया। खबर कौशाम्बी से, जहां इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां सरकारी डॉक्टरों की लापरवाही से मासूम की जान चली गई और फिर उसकी लाश को घर के तक पहुंचाने के लिए मासूम के पिता अपने बेटे का शव गोद में लेकर एम्बुलेंस के लिए भटकता रहा। घंटों इंतजार करने के बाद मीडिया ने इस मामले का हस्तक्षेप किया, इसके बाद शव वाहन उपलब्ध कराया गया। वहीं इस मामले में जिले के कई जिम्मेदार मीडिया के सामने कुछ भी बोलने से कतरा रहे हैं। आज मैं संपूर्ण समाधान दिवस में था मंजनपुर तहसील में, तो आज मैं अभी ऑफिस में आया हूँ, तो आप मीडिया के द्वारा मुझे पता चला है कि आज जिला अस्पताल में किसी बच्चे की मृत्यु हो गई थी और कोई एम्बुलेंस नहीं मिली, तो इसकी मैं एक जांच कराऊंगा, सीएमएस साहब से उसकी आख्या लूंगा, उसके बाद जो संबंधित लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बाद में उग्ररूप पकड़ लिया है, क्योंकि पीड़ित पक्ष के एक युवक ने आगरा अस्पताल में मौत हो गई है, तो वहीं मृतक की बॉडी को लेकर परिवार के सदस्यों ने मथुरा शहर कोतवाली के अंदर कई घंटों तक उग्र प्रदर्शन किया और पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। समय रहते ही कार्रवाई होती तो यह घटना नहीं होती। उधर इस मामले में CO सिटी अभिषेक तिवारी ने पीड़ित पक्ष को समझा बुझाकर मुकदमा दर्ज कर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करने का आदेश दिया, आरोपी युवक की गिरफ्तारी का आश्वासन भी दिया है। थाना कोतवाली के अंतर्गत दिनांक 13 तारीख को दो पक्षों के बीच मारपीट की बात संज्ञान में आई थी, जिस संबंध में मजरूह को थाने से मजरूबी चिट्ठी प्रदान की गई थी तथा उसका मेडिकल कराया गया था। इसी चोट के क्रम में उसे आगरा रेफर किया गया था और आज उसकी मृत्यु हो गई है। इसी बात से क्षुब्ध होकर परिजनों द्वारा उसके शव को यहाँ लाया गया था, उन्हें समझा बुझाकर और उन्हें ये आश्वासन देकर कि उनकी तहरीर जो कि आज ही दी गई है उनके द्वारा, उस पर तत्काल अभियोग पंजीकृत करते हुए अग्रिम विधिक कार्यवाही की जाएगी तथा खबर बुलंदशहर से, जहां अपराधों पर अंकुश लगाए जाने के लिए जनपद में अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, जिसके चलते थाना कोतवाली नगर पुलिस ने पुलिस मुठभेड़ के दौरान फरार अपराधी को अवैध असलाह सहित मानन रोड से स्थित NUS स्कूल के पास से गिरफ्तार किया और पुलिस के ने अपराधियों के पास से एक अवैध तपंचा और एक जिंदा कारतूस बरामद किया है। मथुरा में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां पुलिस और SOG की मुठभेड़ में दो बदमाशों को गिरफ्तार किया, वहीं एक बदमाश के पैर में गोली लगी, जिसका पुलिस कस्टडी में जिला अस्पताल में इलाज कराया जा रहा है। पुलिस ने बदमाशों के पास से 3 मोबाइल, 2 तपंचे और मोटरसाइकिल बरामद किया है। बता दें कि बलदेव थाना क्षेत्र का मामला है ये। थाना
थाना बलदेव के सेहत गांव में सीताराम गौतम जो अपनी वाइफ के साथ मोटरसाइकिल से जा रहे थे, इनको दो अज्ञात बदमाशों द्वारा जो बुलेट से थे रोका गया और इनके साथ लूटपाट की गई, जिसमें इनके वाइफ के कुंडल और 800 रुपए बदमाशों द्वारा छीन लिए गए थे। मुखबिर की सूचना पर कि बदमाशों का मूवमेंट हो रहा है, पुलिस द्वारा एक्सप्रेस वे के कासिमपुर अंडरपास पर चेकिंग लगाई गई थी। इस चेकिंग के दौरान एक बुलेट से दो व्यक्ति आते हैं और पुलिस को देखकर वह हड़बड़ी में गिर जाते हैं। उनके द्वारा पुलिस पर ही फायरिंग की जाती है, जिसके जवाब में पुलिस कार्रवाई करती है। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहे प्राइम टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।